नमस्कार दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को बड़ा खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किंग्स इलेवन पंजाब को 20 रनों से मात देकर प्लेऑफ की आशाओं को बरकरार रखा है। इस मैच में रोमांचक घटना तब हुई जब उमेश यादव 19वीं ओवर की दूसरी गेंद पर सीधे अश्विन को बॉल डालते हुए उनका कैच विराट कोहली ने पकड़ा। इसके बाद विराट कोहली ने और अश्विन के लिए अपशब्द कहे, जो सभी के लिए बहुत बुरी बात थी। दोस्तों, यह अपशब्द अश्विन के लिए विराट कोहली ने बहुत गंदे कहे, हम आपको दिखा भी नहीं सकते। दोस्तों, इतने अपशब्द विराट कोहली ने आर अश्विन के लिए कहे थे। वही इस मैच में एबी डिविलियर्स ने 95 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 202 रनों का टारगेट विभिन्न कर दिया। फिर इसके बाद माइकल स्टार्स ने उनका साथ दिया। वही पारी की शुरुआत किंग्स इलेवन पंजाब की बहुत गंदी रही। क्रिस गेल महज 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद राहुल और मेघवाल ने जूझे बारू खेली, लेकिन वह भी अंत तक ना खेल सके। इसके बाद निकोलस पूरन ने मोइन अली की ओवर में 3 छक्के लगाकर यह आशा जगा दी कि वो मैच में बने हुए हैं, लेकिन अगले ही ओवर में उमेश यादव ने उनके आउट कर दिया और उसके बाद डेढ़ मिलर भी चलते बने और यही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। और यह मैच किंग्स इलेवन पंजाब